जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है, डीआरडीओ तेजस मार्क 2 और एएमसीए के लिए एयरवर्थी और डीओ सर्टिफिकेशन के साथ टाइम सेंसिटिव नेटवर्क स्विच और एंड पॉइंट सिस्टम के डिजाइन विकास और योग्यता के लिए प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स के साथ बात कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनी करमान ड्रोन्स के द्वारा स्वदेशी रूप से शासन यूएवी तैयार किया गया है, जो रात की परिस्थितियों में भी वीटोल और ऑटोनोमस वीटोल उड़ाने कर सकता है। नेपाल और भारत के बीच 10,000 मेगावाट बिजली व्यापार संबंधी समझौते पर हुए हस्ताक्षर। इसके अलावा व्यापार, आर्थिक संबंध, रेल और हवाई संपर्क परियोजनाओं पर भी सहमति बनी है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अब जल्द ही कुछ प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने वाली है, जिसमें कि 6 एयरबस C295 आधारित मैरिटाइम मल्टीमिशन एयरक्राफ्ट इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, 9 एयरबस C295 मीडियम रेंज मैरिटाइम रिकॉग्नाइजेंस एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए और 6 अपग्रेडेड नेत्रा मार्क 1A इंडियन एयरफोर्स के लिए। डीआरडीओ ने 2023 के दौरान अलग अलग स्थानों पर आर्टिफिशियल एवलॉन्च टिगरिंग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। एक ग्राउंड आधारित परीक्षण रिंग यानी कि आयरन बोर्ड को विकसित करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को चुना गया है। इस एडवांस आयरन बोर्ड में 2 कॉकपिट होंगे, जिसमें कि एलसीए मार्क 2 और एएमसीए के लिए एक एक कॉकपिट डेडिकेटेड होगा। एक बार ड्राई कावेरी इंजन प्रमाणित हो जाने के बाद एक वेट कंपोनेंट के विकास के लिए योजना बनाई जाएगी, जो कि थ्रस्ट को 82 से 85 किलोन्यूटन रेंज तक ले जाएगा। आईएनएस विक्रांत पर शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का समुद्री स्वीकृति परीक्षण पूरा हुआ। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने जुपिटर वेगन्स लिमिटेड के साथ 473 करोड़ रुपए के मूल्य के 697 बोगी ओपन मिलिट्री वेगन और बीएमएल के साथ 329 करोड़ रुपए मूल्य के 56 यानी कि 56 मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट्स मार्क 2 की आपूर्ति के लिए 2 अनुबंध किए हैं। बोगी ओपन मिलिट्री वेगन भारतीय सेना के द्वारा सेना की यूनिटों को इकट्ठा करने के लिए एक उपयोग किए जाने वाले विशेष वैगन होते हैं। इन वैगनों का उपयोग हल्के वाहनों, आर्टिलरी गन, बीएमपी, इंजीनियरिंग उपकरण आदि को अलग अलग स्थानों पर ले जाने के लिए किया जाता है। बता दें कि इसका इस्तेमाल क्रिटिकल रोलिंग स्टॉक और किसी भी संघर्ष की स्थिति के दौरान यूनिटों और उपकरणों को ऑपरेशनल क्षेत्रों में त्वरित और एक साथ शामिल करना सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा ये सैन्य अभ्यास के दौरान एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक यूनिटों की आवाजाही को भी सुनिश्चित बनाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, भारतीय वायुसेना भी अब रशिया और चाइना की तरह अपना को ऑर्बिटल वेपन स्टेशन तैयार कर रही है। और आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना एक बड़ा बदलाव करने जा रही है, जो कि इंडियन एयरफोर्स एंड स्पेस फोर्स के नाम से जानी जाएगी। और ऐसे में अब भारतीय वायुसेना की योजना है कि वो को ऑर्बिटल हथियारों का विकास करे, जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल जरूर है, लेकिन ये गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी भारत के लिए होगी। आपको मैं बता दूं कि जो विस्फोटक और लेजर या फिर अन्य डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं, उन हथियारों से लैस सैटेलाइट्स तैनात किए जाएंगे, जो कि दुश्मनों के सैटेलाइट्स और यहां तक कि जमीनी लक्ष्यों को भी पियर्सर करने के लिए कक्षा में ही घुमाए जा सकते हैं, यानी कि ऑर्बिट से ही दुश्मनों के टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। दरअसल भारतीय वायुसेना जानती है कि मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियो में अंतरिक्ष का महत्व बढ़ता जा रहा है, जहां सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन, नेविगेशन और खुफिया जानकारी जुटाने में ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रशिया हो, अमेरिका हो या चाइना जैसा देश, वो अंतरिक्ष आधारित सैन्य टेक्नोलॉजी पर भारी भरकम निवेश कर रहा है, इसीलिए भारत भी इस लीग में शामिल होना चाहता है। हालांकि को ऑर्बिटल हथियारों का विकास कानूनी चिंताएं पैदा जरूर करता है, और इस तरीके से अंतरिक्ष में दोस्तों अनियंत्रित हथियारों की होड़ हो जाएगी, जिसके परिणाम विनाशकारी भी होंगे, और यही नहीं, इसके अलावा ये पर्यावरणीय क्षति भी पहुंचाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा टेंशन का विषय बनेगा। भारतीय वायुसेना भी दोस्तों ये बात जानती है कि को ऑर्बिटल हथियारों का जितना ज्यादा फायदा है, उससे ज्यादा इसका जोखिम भी है, लेकिन भारत के जो विरोधी हैं वो भारतीय अंतरिक्ष एसेट्स यानी कि संपत्तियों पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए उसे रोकने के लिए हमें भी महत्वपूर्ण निवारक के रूप में इनका इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा ये जो को ऑर्बिटल हथियार हैं, उनका इस्तेमाल रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले दुश्मनों के सैटेलाइट्स को निष्क्रिय करना शामिल है। इसके लिए बकायदा भारतीय वायुसेना डीआरडीओ और इसरो के साथ सहयोग करेगी, जहां हथियारों के विकास में डीआरडीओ की विशेषज्ञता है तो इसरो की अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता है। इन दोनों के अनुभव से एक सुरक्षित और प्रभावी यानी कि इफेक्टिव को ऑर्बिटल हथियारों का विकास किया जाएगा। रास्ता हालांकि चुनौती भरा जरूर है दोस्तों, साथ ही तकनीकी हर्डल्स भी यहां पर काफी आएंगे, लेकिन को ऑर्बिटल हथियारों को तैयार करना इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स के लिए बहुत ही साहसिक कदम भी माना जा सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 2023 की अपनी जो समीक्षा है वो जारी की है, और इस साल की जो उपलब्धियां थी उसमें वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि VLSR SAM काफी खास रहा, जो कि भारत की नौसेना और एयर डिफेंस के लिए एक गेम चेंजर के रूप में सामने आया है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि अस्त्रा मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के सतह से हवा में मार करने वाले संस्करण के रूप में इस VLSR SAM को तैयार किया गया है, जिसकी रेंज 80 किलोमीटर है।
यानी कि जबरदस्त स्ट्राइक रेंज के साथ ये एक बड़ा पंच पैक है। VLSR-SAM जो कि सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर और एडवांस सीकर टेक्नोलॉजी से लैस है, इसे मुख्य रूप से भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन किया गया है। VLSR-SAM भारत के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों के लिए एक बेहतर क्लोज रेंज प्रोटेक्शन प्रदान करेगा और ये इसराइल के द्वारा आपूर्ति की गई बराक आई पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम को प्रतिस्थापित करने के लिए भी तैयार है और ये भारत का एक शक्तिशाली और घरेलू स्तर पर विकसित एक बेहतर विकल्प भी है। और यहाँ पर जो VLSR-SAM है वो केवल नेवल एप्लीकेशन यानी कि नौसैनिक संस्करण तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रक्षा मंत्रालय भारतीय वायुसेना के लिए जमीन आधारित वायु रक्षा प्रणाली संस्करण को विकसित करने की योजना भी बना रही है, जिससे कि भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को और बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत के रक्षा सचिव गिरधर अरमानी जी ने कहा कि भारत अपने मित्र देशों के साथ तेजस MK-1A फाइटर जेट निर्यात करने को लेकर बातचीत कर रहा है, जिसका सकारात्मक रिस्पांस भी आ रहा है। उन्होंने बताया कि तेजस लड़ाकू विमानों के निर्यात के लिए नाइजीरिया के साथ एक अच्छी चर्चा चल रही है। तेजस फाइटर जेट जो कि अपनी उन्नत क्षमताओं के साथ संभावित रूप से नाइजीरिया की रक्षा जरूरतों को पूरा कर सकता है, जिससे कि दोनों देशों के बीच संबंधों को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। और एक बार ये डील सफल हो जाती है तो ये सहयोग द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और रक्षा टेक्नोलॉजी में एक साझा विशेषज्ञता का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अब अपने स्वदेशी रूप से तैयार किए गए मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का यूजर ट्रायल करने जा रहा है, जो कि दुश्मनों के एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स को वेरी शॉर्ट रेंज में खत्म कर सकते हैं। हालांकि भारतीय सशस्त्र बल सीमित संख्या में रूसी प्रणालियों को शामिल भी कर रहे हैं। 6 किलोमीटर तक की दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए DRDO के द्वारा विकसित कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली अप्रैल और मई तक सशस्त्र बलों के लिए यूजर ट्रायल्स के लिए पेश की जाएगी। इसके अलावा रक्षा अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि स्वदेशी रूप से विकसित ये चौथी पीढ़ी के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय सशस्त्र बलों में मौजूदा मैन पैड्स यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से तकनीकी रूप से बेहतर है, क्योंकि इसमें अत्याधुनिक अनकूल्ड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है। और कहा जा रहा है कि एक बार इसके सफलतापूर्वक परीक्षण हो जाते हैं तो इनका बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाएगा। और यही नहीं, इसके अलावा कुछ कंपनियां मेक टू कैटेगरी प्रोजेक्ट के तहत लेजर बीम राइडिंग वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार करेंगी, जिसका प्रोटोटाइप अब तैयार किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO पोखरण में 155/52 कैलिबर की ATAGS को BEML के आर्म ट्रक पर लगाकर उसका हाल ही में परीक्षण किया है, जो कि एक माउंटेड गन सिस्टम है। दरअसल सेना को इस तरीके की कम से कम 800 से ज्यादा तोपों की जरूरत है और इन तोपों की रेंज कम से कम 45 किलोमीटर कही जा रही है। यह हर मिनट में 6 गोले दाग सकती है। तोप का ट्रक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। बता दें कि इसमें रोबोटिक आर्म खुद ही इसके अंदर से गोले को निकालकर तोप के बैरल में लोड करता है। कुछ खबरें सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि आर्चर NG मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन इसकी पहली फ्लाइट 2024 में की जाएगी और आर्चर NG में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर रडार और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम लगा होगा, जो कि इंटेलिजेंस सर्विलांस और टारगेट एक्विजिशन के अलावा रिकॉग्निशंस मिशंस भी करेगा। इसमें 4 हार्ड पॉइंट्स होंगे जो कि 300 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकते हैं स्ट्राइक मिशंस के लिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना ने अब अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को सी ट्रायल्स के लिए तैयार कर लिया है। इसकी कुछ तस्वीरें हाल ही में सोशल मीडिया पर दिखाई गई हैं। इस एयरक्राफ्ट में दोस्तों भारी विमानों को लॉन्च करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट और विमानों को लैंड कराने के लिए स्टीम कैटोबार सिस्टम भी लगा है। ऐसे में इसकी तुलना अमेरिका के फोर्ड क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर से की जाती है। फुजियान को चाइना ने पूरी तरीके से अपने घर पर डिजाइन किया है और इसका अभी पहला समुद्री परीक्षण किया जाना बाकी है और अब ये तैयार हो चुका है समुद्री परीक्षणों के लिए। चाइना का फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट का लॉन्च परीक्षण शुरू कर चुका है। हालांकि ये तकनीक अभी तक अमेरिका के पास थी, लेकिन चाइना के पास कैसे पहुंची ये खुद चाइना जानता है। कुछ खबरें सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत के राफेल फाइटर जेट को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान ने चीनी फाइटर जेट J-31 को शामिल करने की योजना बनाई है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान तरके से भी उनके कान प्रोजेक्ट में शामिल होने की बात कर चुका है, यानी कि दिखाने की ये कोशिश की जा रही है कि हम भारत से सुपीरियर हैं, हम भारतीय फाइटर जेट्स का मुकाबला 5th जनरेशन के फाइटर जेट से करेंगे। ये कहने में तो आसान लगता है दोस्तों, लेकिन कोई 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी किसी देश को इतनी आसानी से नहीं देता है। अभी तक तो आपने ये देखा होगा कि जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं उन्हें बनाने वाला देश इसे सिर्फ बेचता ही है। अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान चाइना के स्टेल्थ फाइटर जेट J-31 को शामिल करने में लग गया है। खुद पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ने इस बारे में जानकारी दी है और कहा जा रहा है कि वो अमेरिकी फाइटर जेट F-16 की जगह लेंगे। भले ही दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स चाइना के कुछ फाइटर जेट्स को शामिल कर चुकी है, लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि पाकिस्तान का ना तो बजट है और ना ही पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता है कि वो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर सके, क्योंकि उनको ऑपरेट करने का मतलब साफ है कि
आपकी जेब भारी होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि चाइना साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए कुछ संख्या में पाकिस्तान को इन फाइटर जेट्स को दे सकता है। हालांकि चाइना भी इस तरीके का रिस्क नहीं लेगा क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत है वो बदहाल है, क्योंकि ऑलरेडी कई प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं जिन्हें देखते हुए शायद ही चाइना इनको ये फाइटर जेट्स उपलब्ध कराए। फिलहाल आपको क्या लगता है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो का नेक्स्ट जनरेशन का भारी संचार उपग्रह GSAT-20 अब स्पेस एक्स लॉन्च करेगा। इसरो के सैटेलाइट को फॉल्कन 9 हैवी लिफ्ट लॉन्चर के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। दरअसल ये डील इसरो की तरफ से की गई है क्योंकि इसरो के पास अभी तक इस तरीके के रॉकेट्स नहीं है जो कि बड़े कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लिफ्ट करने में सक्षम हो। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन जी ने कहा कि भारत स्पेस एक्स के पास इसलिए गया है क्योंकि समय पर कोई अन्य रॉकेट उपलब्ध नहीं है। दरअसल इसरो की एक कमर्शियल शाखा भी है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसे कि NSIL कहा जाता है। उन्होंने इस साल की दूसरी तिमाही में लिफ्ट ऑफ के लिए स्पेस एक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हालांकि अभी तक भारत के भारी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का जिम्मा फ्रांस की एरियन स्पेस कंसोर्टियम का था। दरअसल भारत के पास 4 टन से ज्यादा भारी सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च करने की क्षमता नहीं है। तो फिलहाल ये था अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।